कौर, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। जिला रविदास महासभा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्या, दिया आश्वासन। सीएम ने कहा, संगठित समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना की जा सकती है पूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर सीएम योगी ने की तीखी टिप्पणी। सीएम से मिलने आए फरियादियों के बीच मिले दो युवकों ने अपने उपहार भेंट करने में कामयाबी। 8 महीनों से भटक रहे थे मुख्यमंत्री को देने के लिए अपना उपहार। गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग और व्यापार बंधुओं द्वारा अधिकारियों की बैठक। सीएम ने मंडलायुक्त और डीएम को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व संध्या पर कुलपति ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेगा विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निर्माणाधीन एनएक्सी भवन का निरीक्षण। कार्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और आयकर कर्मचारी महासंघ ने संयुक्त रूप से प्रधान कार्यालय आयुक्त कार्यालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद विधायक चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख की बैठक। सीएम ने शासन की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के दिए निर्देश। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य में धीमी गति पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से किया स्पष्टीकरण तलब। गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारतीय इतिहास संकलन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ सदस्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। और नवागढ़ जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। छात्रों की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों को समय से स्कूल में उपस्थिति, स्कूलों का सुंदरीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। और अब खबरें विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिला रविदास महासभा द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को सूरजकुंड अमलापुर स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संत रविदास की प्रतिमा और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके पश्चात महासंघ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ, पूर्व विधायक बेचन राम, महासंघ के महामंत्री बैनी प्रसाद, मंदिर के पूर्व व्यवस्थापक पूर्णमासी सोमनाथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, श्रवण पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ ने मंदिर की स्थापना और महासभा के कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम के समक्ष रखा, साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की सराहना की। लोगों की शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठित समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना पूरी की जा सकती है, इसलिए हम सबको जातिवाद की राजनीति को त्याग कर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जिला रविदास महासभा के जो भी कार्यकर्ता है, आप सभी के अनुरोध है की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे रविदास मंदिर में गुरु रविदास जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उनके सहयोग में हमारे संस्था के प्रमुख पदाधिकारी दो जो है अध्यक्ष जी और पूरा लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पुष्पांजलि। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हमारे बीच में इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है
और हम सभा के उपाध्यक्ष वरिष्ठ बालकरण जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे जिला रविदास महासभा के और माला पहना कर सम्मान व्यक्त करें। हमारे जिले के महामंत्री व्यास महासभा आपसे भी अनुरोध है कि वो भी माला कि वो आवे माननीय को माला पहना कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सुखदेव प्रसाद भी साथ अनुरोध है कि वो भी हमारे माननीय को माला पहना कर स्वागत करें। फागुन और माला पहना कर माननीय का सम्मान करें। बुधराम अब इसके बाद मैं श्री सूरज कुमार भारती जी से हमको माला पहना कर सम्मान व्यक्त करेंगे। इनके स्वागत में मैं चाहूंगा जिला रविदास महासभा के अध्यक्ष संस्था जिला रविदास महासभा गोरखपुर के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु आप लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षेप में हम कुछ बताना चाहेंगे। आज से करीब 70 वर्ष पूर्व हमारे समाज के पूर्वजों द्वारा 10x10 फीट के एरिया में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया गया था। बाद में गर्भगृह के आसपास की अपनी जमीन को स्वर्गीय बिहारी चौधरी ने अपनी जमीन को मंदिर में दान दिया। उस समय के सामाजिक एवं आर्थिक सोच रखने वाले स्वर्गीय बिहारी चौधरी, बहादुर सिंह मघैया तथा राम प्रसाद जैसे सम्मानित लोगों ने विशेष योगदान देते हुए समाज के लोगों से 8 आने 1 रुपये उस समय बहुत इसी का होता था चंदा इकट्ठा लेकर के रविदास जी की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना करके पूजा पाठ करना शुरू किया तथा एक कमेटी बनाकर बैलगाड़ियों पर झांकियां निकालना शुरू किया। उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी हमारी संस्था जो पूर्ण रूप से एक सामाजिक एवं धार्मिक संस्था है तथा जो मंदिर एवं विद्यालय का भी संचालन करती है के द्वारा झांकियाँ निकाली जाती हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों से 15-20 की संख्या में झांकियां गाजे बाजे घोड़ों के साथ सजकर मंदिर में एकत्रित होती हैं और फिर मंदिर से विशाल शोभा यात्रा के रूप में निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे मंदिर पहुंचकर एक विशाल सभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बंधुओं आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि गोरखपीठ नाथ पंथ से होने के नाते कोई भी छुआछूत एवं भेदभाव की भावना नहीं रखता है। इसी से प्रभावित होकर 50 साल पहले संत रविदास मंदिर से जुड़े हमारे लोग तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से अपना लगाव बढ़ाना शुरू किए तथा हमारे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। जब भी हमारे लोग उनसे मिलने जाते थे और उन्हें पता चलता था कि रविदास मंदिर वाले आए हैं तो वे तुरंत बुलवा कर अपने पास बैठाते थे और तुरंत मट्ठा मंगवा कर पिलवाते थे। माननीय मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 2011 के जनगणना के अनुसार उन्होंने निःशुल्क गैस वितरण करने का गरीबों को दिया जा रहा है। वर्तमान में सभी जिस जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये सरकार की पहल है जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी। मैं अलीनगर वार्ड सचिव संदीप कुमार गौतम आजाद। हेलो जी। आज़ादी के 70 वर्षों तक आज तक कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया था उन कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसे कि मुसहर थारू और वनटांगिया जनजाति के जो लोग विभिन्न योजनाओं से अमुक्त थे उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व ग्रामीण योजना के अंतर्गत उन लोगों को उन सुविधाओं से जोड़ करके एक पुनीत कार्य किया है जो कि समाज में एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में गिना जा रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा बिजली का शोभा योजना चलाया जा रहा है जो कि स्कूल के वंचित लोगों को फ्री में कनेक्शन दिया जा रहा है जो हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मोदी जी के द्वारा जिस घर में अंधेरा है उस घर में आज बिजली के द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है जो हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा चला आ रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहूँगा साथियों, भक्त का जो स्वर्ण काल है भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में जब भक्त की अजस्र धारा संपूर्ण विश्व में हमारे पूज्य संत शिरोमणि संत रविदास महाराज जी
संत कबीरदास महाराज जी, मीराबाई जी और हमारे जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी जब दुनिया को आध्यात्म का संदेश दे रहे थे, उसी कालखंड में हमारे महर्षि संत रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में अपने जो है धर्म की नगरी काशी विश्वनाथ, जो भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई है, ऐसे पवित्र पावन भूमि में, दुनिया की सबसे पवित्र पावन भूमि है, वहां पर हमारे समाज में अति गरीब परिवार में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। साथियों, हमारे वंशावली का संबंध नाथ संप्रदाय के संस्थापक योगी पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी से है। मैंने जो है संत रविदास जी और पूज्य गुरु गोरक्षनाथ जी के संवाद को विद्वत में पढ़ा हूँ, संत रविदास जी के रामायण को पढ़ा हूँ, और हमारा लगाव, हमारे दलित समाज का लगाव आज से नहीं, सदियों से गुरु गोरक्षनाथ के संस्थापक पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने मैत्री, करुणा का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया, पूरी मानवता को दिया, आज पूरी मानवता भगवान बुद्ध के उस संदेश को अंगीकार करते हुए दुनिया में जहां कहीं भी मानवता के कल्याण की बात होती है, शांति, सद्भावना, मैत्री और करुणा की बात होगी, तो भगवान बुद्ध का स्मरण स्वतः ही विश्व मानवता को करना पड़ता है। आज का यह अवसर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस पावन प्रांगण में हम सबको इस आयोजन के माध्यम से एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम संत रविदास महासभा गोरखपुर के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के बहाने से ही उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सचमुच ये सभी पदाधिकारी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध ने तीन संदेश दुनिया को दिए। वे संदेश अपने आप में आज भी उतने ही प्रासंगिक बने हैं जितना आज से 2500 वर्ष पहले था। उन्होंने कहा था, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि और संगम शरणं गच्छामि, यानी मैं धर्म की शरण में जाता हूं, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं और मैं संगठित होकर के, यानी संघ की शरण में जाता हूं जो हमें संगठित कर सके, हम सबको एकजुट कर सके। जीवन में सबका अपना महत्व है। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के प्रति सदैव सजग करता है। एक ऐसी धारणात्मक व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है वह धर्म है, और उस धर्म की शरण में मैं जाता हूं, यानी नैतिकता की शरण में जाता हूं, सदाचार की शरण में जाता हूं, अपने कर्तव्य बोध का भाव जगाने वाली उस धारणात्मक व्यवस्था की शरण में मैं जाता हूं, धर्म का मतलब ये है। और भगवान बुद्ध का पहला संदेश हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे नैतिकता के प्रति, हमारे सदाचार के प्रति सदैव आगाह करती है। भगवान बुद्ध ने ही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में, यानी बुद्धि की शरण में, बिना विवेक के कुछ नहीं हो सकता, और बुद्धि और विवेक के लिए ज्ञानवान बनना पड़ेगा, यानी हमें शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी,
सत्संगति चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा संत रविदास महासभा को कि उन्होंने भगवान संत रविदास जी की इस प्रांगण में मूर्त मंदिर के प्रांगण में विद्यालय की स्थापना करके इन बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करने का बीड़ा भी पिछले कई दशकों से उठाया है। इस कार्य को लोग निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें सामाजिक अज्ञानता सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कोई जवाब देना है तो जवाब हिंसा से नहीं हो सकती, वह जवाब विद्रोह नहीं हो सकता, वह जवाब केवल एक हो सकता है हम अधिकाधिक शिक्षित बने, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्नति के पायदान पर ऊंचा उठाने का एक प्रयास करें। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का ही एक रास्ता है। और तीसरा संगठन का, अगर हम जाति के नाम पर बटे रहेंगे, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर विभाजित रहेंगे, तो जैसे अतीत में देश गुलाम हुआ था ऐसे ही पुनः देशद्रोही ताकतें एक बार पुनः हावी होकर के हम सबके जीवन को न केवल संकटग्रस्त कर सकते हैं अपितु इस राष्ट्र की स्वाधीनता के सामने भी संकट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम सबका संगठन आवश्यक है और उस संगठन के बारे में भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले भी हम सबको आगाह कर चुके हैं। आज हम सब यहां पर आए हैं भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर। आज हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है संत शिरोमणि रविदास जी के इस पवित्र प्रांगण में कार्यक्रम करने का। आप सब जानते हैं भगवान रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा है। यानी हमारा जो मन है या हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार के मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी यह हमारा बंधन और हमारे मोक्ष का कारण कोई है तो हमारा मन है। और इसलिए शुद्ध अंतःकरण से हम अपने मन को जो बहिर्वृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करके अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम कोई आचरण करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और वैसे ही ईश्वर आराधना के लिए भी संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में एक बात सामने आती है, वो स्वाभाविक रूप से अपने कर्म को प्रधानता देती थी और कर्म को प्रधानता देते समय एक बार जब वो अपना कार्य कर रहे थे तो उनके एक सहयोगी संत ने उनसे कहा कि रविदास जी स्नान करने नहीं चलना गंगा मैया के। तो उन्होंने कहा आज मेरे पास बहुत कार्य है और उन्होंने जो कठोता था जो जूता सिलने का जिसमें पानी रख करके लोग जूता सिलने के साथ अपने जो भी उससे जुड़े हुए यंत्र थे उनको रखने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास कार्य बहुत है और जा रहे हो एक काम करना, ये अन्नी गंगा मैया को मेरी तरफ से भी भेंट कर देना। तो उस व्यक्ति को संत को लगा कि संत रविदास क्या बोल रहे हैं, क्या गंगा मैया साक्षात खड़ी हो जाती होकर के भेंट स्वीकार करती है क्या। लेकिन खैर गया वहां गया स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद वो देख रहा था कि लोग अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं, किसी को पुरोहित करा रहा है, कोई स्वयं कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, भेंट पुरोहित लेता था और बाकी चीजें गंगा जी में प्रवाहित हो जाती थी। उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद उसने भी अपना भेंट चढ़ाया पुरोहित ने लिया। जाने लगे उनको याद आया कि एक अन्नी तो मुझे रविदास जी ने भी दिया था। जैसे ही उन्होंने उस अन्नी को निकाला तब तक गंगा मैया से दो हाथ ऊपर आए और उन्होंने उस अन्नी के लिए अपने हाथ फैलाए। तो उन्होंने कहा कौन, उन्होंने गंगा मैया ने कहा मैं साक्षात उनकी भेंट को स्वीकार करना चाहती हूं। गंगा मैया जब संत रविदास की भेंट को स्वीकार कर सकती है
तो क्या इस समाज छुआछूत को मानेगा? मुझे लगता कतई नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ है, महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति के कर्म क्या है। अगर कर्म महान है तो व्यक्ति महान है। अगर ऊंची जाति में पैदा होने के बाद व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो महान नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है भारतीय समाज ने समानता को सदैव महत्व दिया है। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं इस देश को आजादी के बाद देश की व्यवस्था संचालित हो इसके लिए संविधान देने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल से लेकर के आज 30 अप्रैल आज बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है कि आज ही के दिन आप सब जानते हैं कि 1999 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु का विस्फोट करा करके भारत की ताकत का एहसास कराया था दुनिया को। पाकिस्तान बार बार धमकी देता था भारत को, उन्होंने एहसास कराया था कि भारत को अगर परमाणु की धमकी दोगे तो भारत तुम पर भारी पड़ जाएगा। भाइयों बहनों, आज यही तो हम कहने के लिए आए हैं, संगठन का मतलब ताकत से है जो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सके। वह ताकत नहीं जो छिंकल तरीके से गरीबों को, समाज के निम्न किसी भी तबके को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने के लिए जिसका दुरुपयोग होता हो। ताकत वह जो लोक कल्याणकारी हो, समाज के लिए अनुकूल हो, राष्ट्र को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाता हो। और इस देश को सक्षम बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल से लेकर के 30 मई के बीच इस देश के अंदर एक अभियान चलाने का क्रम लिया। वह कार्यक्रम है ग्राम स्वराज अभियान का, जिसके अंतर्गत इस देश के 21,000 से अधिक उन गांवों को जो अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं, उन गांवों में शासन की योजनाओं को 100% लाभार्थी योजनाओं को पहुंचाना है। जैसे कुछ नौजवान यहां पर कह रहे थे, कोई कह रहा था उज्ज्वला योजना की बात, कोई कह रहा था सौभाग्य योजना की बात, कोई कह रहा था उजाला योजना की बात, कोई किसी अन्य योजना की बात। और मैं आज जब यहां पर आया हूं, मैं यहां के प्रशासन से कहूंगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति यहां पर है और संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति और मंदिर यहां पर है, इसको केंद्र में रखकर के संपूर्ण वार्ड को पहले चरण में प्रयास किया जाना चाहिए कि यहां पर हर परिवार के पास जनधन योजना में बैंक में अकाउंट खुल जाए। क्योंकि आज के दिन पर अगर भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो सबसे बड़ा कार्य होगा कि हम उसको नकद लेन देन बंद करवा करके उसके खाते में पैसा दें, और उसको भी अगर किसी को पैसा देना हो किसी कार्य के लिए तो वह चेक काट करके उसको भुगतान करे। जनधन योजना में शासन की योजनाएं सीधे उसके खाते में पहुंचेंगी, इसलिए जनधन योजना का प्रत्येक परिवार का अपना अकाउंट हो, यह यहां पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो। दूसरा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप सब जानते हैं पहले 2011 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था थी जिन लोगों के नाम उस सूची में है उन्हीं को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे। भारत सरकार ने गाइडलाइन में चेंज किया है और अब तय किया है कि जो भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परिवार जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति का है, हम 100% रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। और दूसरा, मैं कहूंगा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर परिवार के पास रसोई गैस का एक कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था प्रशासन यहां पर सुनिश्चित करवाएगा। तीसरा, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने अब तक विद्युत के कनेक्शन नहीं लिए हैं या नहीं ले पाए हैं, अगर वहां पोल नहीं लग पाया है तब वहां पोल लगाने का कार्य करके उनको बिजली का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे।
जिन लोगों को कनेक्शन देंगे उन लोगों को हम लोग उजाला योजना के अंतर्गत उन लोगों को एलईडी बल्ब भी उपलब्ध करवाएं, जिससे उसके घर में बिजली की खपत कम हो, हर परिवार के पास अपना राशन कार्ड हो, अंत्योदय का या पात्र गृहस्थी का, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पेंशन योजना, जो वृद्धा है उनको वृद्धा पेंशन, जो विधवा है उनको विधवा पेंशन, तो दिव्यांग है उनको दिव्यांग पेंशन, शत प्रतिशत आच्छादित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम गांव में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में आप देखते होंगे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास केवल झोपड़ी है, जमीन है लेकिन झोपड़ी है, उसके पास आय नहीं, काय का कोई स्रोत नहीं, उनके पास खपड़े का मकान है लेकिन वो बहुत जर्जर हो गया है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए हर लाभार्थी परिवार को उपलब्ध होने हैं। जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें शौचालय के लिए 20,000 रुपए प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है, ऐसे परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना, यानी ये दो बड़ी महत्वपूर्ण केंद्र के द्वारा दो पेंशन योजनाएं लागू, दो बीमा योजना लागू की गई है, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मात्र 42 रुपए में एक वर्ष में 4 लाख की बीमा की गारंटी उन परिवारों को दे देता है। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके मात्र 42 रुपए में उस परिवार को हम लोग इन दो बीमा योजनाओं से आच्छादित कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से परिवार में दुर्घटना से मौत हो गई तो 4 लाख उस परिवार को मिल तो जाएगा और निराश्रित तो नहीं होगा, हमें इस योजना का लाभ उस परिवार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के अंतर्गत जो नए जो नौजवान पढ़ लिख गए, किसी ने ITI किया होगा, किसी ने इंटरमीडिएट पास किया होगा, कोई BA पास किया होगा, किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा, कुछ ना कुछ तो कुछ किए होंगे नौजवान, वे नौजवान जो अपना कारोबार स्वतः प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा योजना में 3 जो महत्वपूर्ण उसके फलक हैं, 1 शिशु, दूसरा तरुण, तीसरा किशोर, 1 में 50,000 तक, दूसरे में 5 लाख तक, तीसरे में 10 लाख तक, उन्हें बैंक से आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जिससे वह अपने कारोबार के लिए, कोई दवा की दुकान खोलना चाहता है, कोई डेयरी खोलना चाहता है, कोई मुर्गी पालन का, कोई बकरी पालन का, कोई शहरी क्षेत्र में मोमबत्ती बनाने का काम कर सकता है, कोई कोई अन्य कार्य कर सकता है, उस कार्य के लिए आसान किस्तों पर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दिशा हम लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अधिक लोगों को लोन उपलब्ध कराना चाहिए। स्टैंड अप योजना के माध्यम से हर बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति जनजाति के एक लाभार्थी को और एक महिला उद्यमी को 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसान किस्तों पर बिना गारंटी के उपलब्ध करवाना है। इसके लिए हम प्रयास करें कि बैंकों को इसके लिए तैयार करें। इतनी बड़ी योजना यहां पर लागू की गई है और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन इन सब में रुचि लेकर के अनुसूचित जाति बाहुल्य और खासतौर पर रविदास महासभा जैसे संगठनों के साथ मिल करके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई एक पदाधिकारी, कोई एक कार्यकर्ता वहां पर नोडल रूप में एक प्रभारी बनकर के वहां के कार्यों को देखे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और बाकी इस महासभा के पदाधिकारियों का सहयोग लेकर के अगर हम किसी एक वार्ड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में केवल 10 नौजवानों को ही स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें, स्टैंड अप के अंतर्गत केवल 4 दो अनुसूचित जाति के युवा को, 2 महिला उद्यमी को खड़ा कर सकें, 1 वर्ष में कितना बड़ा कार्य हो सकता है। एक परिवार का खड़ा होने का मतलब 5 लोग सीधे सीधे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये योजनाएं जो यहां पर आज ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को मिले, इस दृष्टि से इस अभियान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी यहां पर विश्वनाथ जी बोल रहे थे, उन्होंने ठीक कहा, यहां पर ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आ रहा हूं,
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आया हूं, लेकिन इससे पहले सांसद के रूप में कई बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं उन्हें यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जैसे रविदास मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की बात आई थी तो हम लोगों ने यहां के लिए एलईडी बल्ब के जो पोल हैं उसके डेकोरेटिव पोल स्थापित करने, कंक्रीट के बेंच के लिए, डस्टबिन के लिए, साइनेज के लिए, चार दीवारी के लिए, टॉयलेट ब्लॉक के लिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए, साइट डेवलपमेंट यानी सैंड फिलिंग के लिए, यात्री निवास के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, गेट के रिनोवेशन के लिए, कोटा फ्लोरिंग के लिए, लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, और ये जो मंदिर है इसके रिनोवेशन के कार्य के लिए भी हम लोगों ने पर्यटन विभाग से इसका पूरा अपना डीपीआर बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली है, जिसमें शीघ्र कुछ में पैसा तत्काल प्रारंभ होगा, कुछ समय कुछ के में तत्काल कुछ दिनों के बाद इसमें कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन गोरखपुर का या संत रविदास मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के पूरे जीर्णोद्धार का कार्य हमारी सरकार करेगी और कार्य पूरे होने पर जो विश्वनाथ जी ने कहा है यहाँ पर आकर के सहभोज के भव्य कार्यक्रम के साथ हम यहाँ पर यहाँ की जनता को, रविदास महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को यह सभी कार्य करके उन्हें सौंपने का कार्य भी करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान बुद्ध की संदेशों को, संत शिरोमणि रविदास जी के संदेशों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदेश को आम जन तक पहुंचा करके इस समाज और इस राष्ट्र के कल्याण और उत्थान में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कारनामों से पूरा देश वर्ष 2004 से 2014 तक भ्रष्ट रहा है। कांग्रेस वर्तमान में जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, राहुल गांधी को इस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश उनके बारे में और इन सब हरकतों के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता है। कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामों से यह देश 2004 से 2014 के बीच में त्रस्त रहा है। इस देश के अंदर चाहे वह किसानों से जुड़ी हुई समस्या हो, नौजवानों से जुड़ी हुई समस्या हो, इन सब की जननी भी कांग्रेस है। और स्वाभाविक रूप से लालू जी से उनका राहुल जी का मिलना सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, राहुल जी को इसके बारे में स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। को फरियादियों की फरियाद सुन रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए 8 महीने से परेशान दो लड़कों ने आखिरकार गोरखपुर न्यूज की मदद से कामयाबी पा ही लिया। ये दोनों लड़के जौनपुर के निवासी हैं, जो कि मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बने उपहार को देने के लिए भटक रहे थे। पेश है हमारे संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। कहते हैं जुनून ही इंसान को कामयाबी दिलाती है और कामयाबी जब तक ना मिल जाए तब तक विवेकानंद के कथन के अनुसार चलते रहो चलते रहो। ऐसी ही एक कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो किसी जुनून से कम नहीं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो लड़के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पिछले 8 महीनों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये किसी जरूरत से आए फरियादी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को अपने जादुई हाथों से बनाए हुए इस उपहार को भेंट करने के लिए लगातार लखनऊ, कभी गोरखपुर, फिर कभी कहीं और, यूं ही कतारों में खड़े रह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही थी।
इन दोनों लड़कों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुख्यमंत्री को अपना ये गिफ्ट भेंट करने के लिए जुनून की स्तर पर लग गए। चूंकि सोमवार को स्वयं मुख्यमंत्री शहर में थे और गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, बस यही एक अंतिम मौका था जिसे भुनाने के लिए ये दोनों लड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में खड़े रहे और ये खड़े रह जाते अगर गोरखपुर न्यूज की नज़र इन लड़कों पर नहीं पड़ती। मीडिया धर्म का पालन करते हुए गोरखपुर न्यूज के विशेष प्रयास से आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल ही गई। जौनपुर के मूल निवासी रोहित शर्मा और उसका दोस्त मनीष शर्मा से जब गोरखपुर न्यूज के संवाददाता ने बात की तो इसके बारे में उन्होंने कुछ इस तरह से बताया। किस उद्देश्य आए हैं आप यहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं और अपने देश प्रेम के प्रति हमें इसे बनाया, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहता। ये आपने अपने हाथों से बनाया? हाथों से बनाया। करते क्या है आप मुख्यतः? पढ़ाई करते हैं, बस आईटीआई कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। लकड़ी का काम करते नहीं, पिताजी करते हैं तो हम अपने हाथों से इसे बनाया। अच्छा, कितने दिनों से परेशान है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आप? तो सर 15 अगस्त से हम लोग सोच रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन आज वो दिन आया जब हम लखनऊ गए थे, वहाँ भी मिल नहीं पाए, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पाई जिसके कारण मिल नहीं पाए। और आज माननीय अपनी डीडी जिनसे बात हुई, ठीक है, बोला कि आप आइए। गोरखनाथ मंदिर कितने बार आ चुके हैं कि ये पहली बार है लेके आए हैं? नहीं, एक बार गिफ्ट लेके आए थे, तब आए थे, दूसरी बार दो बार हो गई। दो बार हो गए, बोले जब आदेश होगा तो हम बुला लेंगे। एक बार गिफ्ट कल हमारे पास कल सुबह में साथ में। आप बताइए, ऐसी क्या प्रेरणा आई कि मुख्यमंत्री जी को ये गिफ्ट देने के लिए अपने हाथों से बना के दे रहे हैं आप? सर बस एक खुशी है सर, अपनी एक इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद। सबका कुछ ना कुछ इच्छा होता है तो ऐसे हम लोगों का भी इच्छा, और हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, बस आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए? सर सिर्फ आशीर्वाद। आईटीआई किया हुआ रोहित शर्मा अपने हाथों से इस कास्ट कला को उकेरा है और जब ये पूरा बन गया तब उसने उसके उम्मीदों को पंख लग गई कि किसी भी तरह हो अपने इस तोहफे को योगी आदित्यनाथ को भेंट करेगा। इन दोनों के आंखों में उस समय चमक आ गई जब जनता की फरियाद सुनने के बाद सीएम की नज़र इनके और इनके तोहफों की तरफ पड़ी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर इसके बारे में उनसे बात की और अपना आशीर्वाद भी दिया। क्या इसका वो है, थीम क्या है इसका? अपने देश प्रेम के प्रति हमारे क्या है इसका उद्देश्य क्या है? महाराज जी को भेंट करना था, देश प्रेम संबंधित से क्या हमारा बच्चा पढ़ता है, उसका कोई चीज बनाते हो, आकृति बनाते हो तो उसकी एक थीम होती है, उसका एक उद्देश्य होता है, क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का एक बनाना चाहिए। अच्छा, वैसे अपने भारत माता का चित्र बनवा करके आठ महीनों की मियाद के बाद आखिर सीएम से मिलने और अपने तोहफे को देने की खुशी इन दोनों की आंखों में झलक रही थी। जिला उद्योग और व्यापार बंधुओं तथा अधिकारियों की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की बढ़ोतरी करके औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्याओं को बढ़ने ना दें, तत्काल समाधान कराएं।
इसका नियमित अनुसरण भी करें। समस्याओं का समाधान हम मिलजुल कर ही कर सकते हैं, इसलिए मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी प्रत्येक माह उनके साथ बैठक करें और संवाद करें। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कमरिया घाट से जैतपुर लिंक फोरलेन मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। यह जिले का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इस कॉरिडोर में लैंड बैंक बनाया जाए ताकि नए उद्यमियों का उद्योग स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है और एसपी क्राइम इसके नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इसलिए बाजार खुलते एवं बंद होते समय पुलिस पिकेट अवश्य लगाई जाए। सीसीटीवी कैमरे चौराहे एवं व्यापारी प्रतिष्ठान में लगाए जाएं। पुलिस से सत्यापन के पश्चात गार्ड तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र प्रदेश सरकार को 35,000 सिपाही मिलेंगे। इसके अलावा 25,000 होमगार्ड 5 प्रमुख शहरों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि शहर की अवस्थापना संबंधित सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। 2 करोड़ की लागत से प्रेमचंद पार्क के सामने चौड़ा नाला बनाया जा रहा है। 25 वर्षों में पहली बार 7 किलोमीटर गौरधैया नाला की मशीन से सफाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 8,000 नए स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। ठेला लगाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराकर उनका पुनर्वास करवाया जा रहा है। नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। शहर के अंदर सड़कें चौड़ी की जाएंगी। जर्जर विद्युत तार फेज वाइज बदले जाएंगे। साहबगंज में सड़क एवं नाली बनाई जाएगी। इसी प्रकार भलोटिया मार्केट में भी जल भराव का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए एक कान्हा उपवन बनाया जा रहा है, जिसमें 500 तक गोवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। उन्होंने मंडलायुक्त को निर्देश दिया है कि मंडल के चारों जिलों में जिला पंचायत के माध्यम से पुराने कांजी हाउस को पुनः जीवित किया जाए तथा वहां आवारा पशुओं को रखा जाए। उन्होंने कहा कि नए निवेशकों के लिए निवेश मित्र पोर्टल चालू किया जाए। इस पर नए निवेशक अपनी समस्या लिखकर डाल सकते हैं, इसका त्वरित समाधान कराया जाए। बैठक में विभिन्न व्यापार संगठन के पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। Thank you.
विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व संध्या पर एक पत्रकार वार्ता में वर्ष भर की हुई उपलब्धियों के संबंध में एक पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य, प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित एवं अन्य अध्यापक गण मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता शुरू होने के पहले माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ देकर कुलपति का स्वागत अलग अलग शिक्षकों के द्वारा किया गया। इसके बाद प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने एक वर्ष के विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा, छात्र कल्याण द्वारा इस विशिष्ट आयोजन में आप सबका स्वागत है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस विशिष्ट आयोजन का अपना खास महत्व है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय लेकिन इनको जब ये पता चलेगा कि एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता है
गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने के लिए आगामी दिनों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत चल रही है, जो आकर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान गोरखपुर विश्वविद्यालय में देंगे। इस संबंध में आगे उन्होंने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा, तो उस अवसर पे भी हम अगले साल की कार्य योजनाओं के हिसाब से कार्य करना शुरू करेंगे और जो हमारा पिछले एक साल की जो प्रयास है उसको अभी शुरुआत है। अभी हम ये नहीं कहेंगे किसी हम अंतिम पड़ाव पे पहुँचे हैं, ये अभी पहला पड़ाव है जिसमें नियुक्तियाँ हैं और प्लस जो रुके हुए हमारे कार्य थे उसको भी हम दूर कर रहे हैं। सर, आपकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह या जम्मू की तरह आपका भी ये प्रांगण हो जाए, उसी के अंतर्गत आपके शायद सोच है कि नोबेल प्राइज़ जो पाए हैं उनका व्याख्यान हो, लेक्चर हो, इसके बारे में। हाँ, नोबेल प्राइज़ में हमारे यहाँ सत्यार्थी जी हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने उद्बोधन से। सर, इसी संदर्भ में अभी नेपाली छात्रों के लिए 100 कमरों वाली जो व्यवस्था थी वो कहाँ तक पहुँची? कार एजेंसी को दिया गया है, कार प्रारंभ होने जा रहा। नेपाली नेपाली छात्रावास जो हमारी वर्किंग एजेंसी है जो सरकार के द्वारा ही निर्धारित होती है, उसमें उनके कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, उसको दूर कर लिया है और शीघ्र ही उसका निर्माण शुरू। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आज की हेडलाइन पर। जिला रविदास महासभा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्या, दिया आश्वासन। सीएम ने कहा, संगठित समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना की जा सकती है पूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर सीएम योगी ने की तीखी टिप्पणी। सीएम से मिलने आए फरियादियों के बीच मिले दो युवकों ने अपने उपहार भेंट करने में कामयाबी। 8 महीनों से भटक रहे थे मुख्यमंत्री को देने के लिए अपना उपहार। गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग और व्यापार बंधुओं द्वारा अधिकारियों की बैठक। सीएम ने मंडलायुक्त और डीएम को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व संध्या पर कुलपति ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेगा विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निर्माणाधीन एनएक्सी भवन का निरीक्षण। कार्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और आयकर कर्मचारी महासंघ ने संयुक्त रूप से प्रधान कार्यालय आयुक्त कार्यालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद विधायक चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख की बैठक। सीएम ने शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य में धीमी गति पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से किया स्पष्टीकरण तलब। गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारतीय इतिहास संकलन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ सदस्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। और नवागढ़ जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। छात्रों की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों को समय से स्कूल में उपस्थिति, स्कूलों का सुंदरीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए
और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। उद्योग बंधुओं की बैठक लेने सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिसर में निर्माणाधीन एनेक्सी भवन का निरीक्षण किया तथा निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और कार्य को समयानुसार पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की कार्यदायी संस्था निर्माण खंड भवन द्वारा 15,33,00,000 की लागत से सर्किट हाउस परिसर में एनेक्सी भवन का निर्माण कराया जा रहा है जिसको 2019 तक पूरा कर लेना है। निर्माण की प्रगति के निरीक्षण करके मुख्यमंत्री ने समीक्षा की तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, पीडब्ल्यूडी के अभियंता मौजूद रहे। रामगढ़ ताल के उसको थोड़ा मॉनिटर करिए आप लोग जल निगम के। सर साइड ठीक है, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ बनेगा? ये साइड में सर, ये वाला बनेगा। यहाँ पर ये वी आई पी पार्किंग पार्किंग बाकी साइड में हम लोग एंट्री किए हैं। इस जगह से एंट्री किए हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ये और एक वी आई पी सूट नीचे है, दो वी आई पी सूट हैं, किचन डाइनिंग और वेटिंग हॉल, ऊपर 10 ऑफिसर्स का वी आई पी सूट है, ठीक है, और दो वी आई पी सूट हैं और 10 ऑफिसर्स सूट। दिसंबर तक कंप्लीट कर दें सर। दो बच्चों अरे यार कितने लोग हैं, कैसे हो? नहीं अरे उद्योग बंधु में इनको नहीं बुलाया गया था कि सेठ जी को सबसे बड़े टैक्स चोरी से यही करते हैं सेठ जी। नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और आयकर कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने संयुक्त रूप से हाथ पर काली पट्टी बांधकर सिविल लाइन स्थित प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। परिषद के सदस्यों का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है जिसे कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना चाहिए। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, संजय सिंह, अमित प्रधान, महेश्वर मिश्रा सहित कई अन्य मौजूद रहे। सदो विधायकों की पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेंशन कोई भीख नहीं, पेंशन कोई भीख नहीं, पेंशन कोई भीख नहीं, ये हमारी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र राज कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र राज कर्मचारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो चल सकता है। सांसदों विधायकों को शपथ लेते ही पेंशन मिलती है और एक व्यक्ति जो 60 वर्ष तक देश की सेवा करता है उसकी पेंशन छीन ली गई है, ये किसी तरह का न्याय नहीं है। या तो सारी पेंशन बंद कर दी जाए, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, हमारी पेंशन बंद कर दी जाए, और नहीं तो पेंशन दिया जाए। पेंशन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो बुढ़ापे में कर्मचारी का सबसे बड़ा सहारा होता है, उसी के आधार पर उसका पूरा जीवन चलता है। इसको छीनना सरकार कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हर हालत में सरकार से डिमांड है कि इसको बहाल किया जाए और पेंशन जो हर तरह से जो है बढ़ोतरी के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सहारा है, इसको बहाल किया जाए।
जिले के सभी सांसद विधायक चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद कमलेश पासवान, विधायक फतेह बहादुर सिंह, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर बिमलेश पासवान, संत प्रसाद, विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को विजयी बनाने, शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके, इस बिंदु पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से कार्य करे, लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाए। स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, इस दिशा में जो प्रयास होना चाहिए था, कहीं ना कहीं और इसीलिए जब ग्राम स्वराज अभियान चला है, यद्यपि इससे पहले लाभार्थी परक योजनाएं 2014 से ही प्रारंभ हो गई थी और 2014 से योजनाएं चल रही थी, लेकिन फोकस करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मानक को भी विस्तार दिया गया। 2011 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ही इसका आधार नहीं माना गया, बल्कि ये कहा गया कि इन लोगों को 100% इससे आजादी कम कर दे। उस योजना का कितना लाभ हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इन सब पर फोकस एक बार करें तो बहुत अच्छा उसका संदेश हो सकता है। प्रदेश के सिंचाई एवं जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त किया तथा अधीक्षण अभियंता महेश्वरी प्रसाद तथा अधिशासी अभियंता संजय सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है। सिंचाई मंत्री ने अभियंताओं को सख्त हिदायत दिया है कि पंपिंग सेट निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता एवं समय से पूरा करें, लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का यह कार्य है, इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। मुख्य अभियंता सिंचाई DPAK सिंह ने आश्वासन दिया है कि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विधायक विपिन सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, स्थानीय लोगों एवं विभागीय अभियंता उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और भारतीय इतिहास संकलन समीक्षा गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में सदस्य सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय इतिहास संकलन समिति गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय संगठन सचिव बाल मुकुट पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, मंत्री दिग्विजय नाथ मौर्य, इतिहास विभाग की अध्यक्षा निधि चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रांत के सदस्यों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बाल मुकुट पांडे ने भारतीय इतिहास संकलन समिति की स्थापना के उद्देश्य और विस्तार पर प्रकाश डाला। अपने जीवन के सर्वोच्च नहीं कार्यकर्ताओं का निर्माण और इतिहास में आए हुए विकृतियों को दूर कर भारतवर्ष का वास्तविक इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों द्वारा भारतीय एजेंसियों पर भारत के स्वाभिमान के द्वारा इस रचना हो, इस आंदोलन लगा हुआ है। मैं 39 में यहाँ सेकेंड ईयर का छात्र था, परीक्षाएं हो गई थी और परीक्षा के बाद ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन हुआ था। उसमें इरफान हबीब अपने शिष्यों के साथ अलीगढ़ स्कूल को लेकर गए थे। हमारे लिए गोरखपुर में किसी भी रचनात्मक कार्यक्रम में गोरखपीठ का बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए सम्मानपूर्वक हम लोगों ने बड़े महाराज जी को यहाँ के डिपार्टमेंट में बड़े महाराज जी को उद्घाटन के सत्र में आमंत्रित किया था। जैसे महाराज जी मंच पर आए वैसे ही इरफान हबीब और JNU अलीगढ़ स्कूल के लोगों ने यह कहते हुए कि यह सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, विवादित व्यक्ति
के संस्थाओं का काम करती है जो राष्ट्रवादी ऐसे इतिहास का अवकाश कर रहा है, ऐसे राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले इतिहास का अवकाश कर रहा है। बाद में संघ के प्रसारक होने के बाद एक 15-20 साल के बाद मुझे इतिहास के तौर पर काम किया गया, उसके आधार पर मैं देश में प्रवास कर रहा हूँ। 2004 में एक प्रयास किया गया कि ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी स्थिति भारत के चैतन्य से तदान स्थापित नहीं करती, जिनके इतिहास के लेखन में भारत नहीं है, जिसके इतिहास के लेखन में भारत का स्वाभिमान नहीं है। आज भी उनका इतिहास यूरोप केंद्रित है, यूरो सेंट्रिक है। आज भी फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश इतिहासकार उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहासकार का कोई महत्व उसमें नहीं है। ऐसे इतिहासकार जिनको भारत के स्वाभिमान से घायल करता है, ऐसे इतिहासकार से भारत के भूमि, भारत के जन, भारत महापुरुष और भारत के प्रज्ञा को अपमानित करने में विद्वता सिद्ध करते हैं, ऐसे इतिहासकारों के अलावा कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं बहुत संख्या में जिनका दादा में भारत माता से है, भारत बस से है, भारत का स्वाभिमान से है, भारत की मेधा से है। तो केवल इतिहास जो हिस्ट्री कांग्रेस है उसमें अपने लोग भी जान जो कि मात्र शिक्षा संस्था थी, तो प्रयास करके विश्वकर्मा भी इसमें पदाधिकारी थे, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ के सामने प्रसारण आते था। तो भोपाल में शायद हिस्ट्री कांग्रेस में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और लगभग 450 संख्या अपने इतिहास इतिहास के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता उनको जोड़ा गया। उस संगठन में यही चर्चा हो गई थी कि आज बाहर से आए थे सरस्वती नदी नहीं की आज गोमांस खा गए थे 1857 सिपाही विद्रोह था, भारत को सात सफेदों का देश था, भारत को गंवारों का देश था, अंग्रेजों ने आकर मुसलमानों ने आकर के इसका विकास किया है, वेद को घड़ियों का गीत है, पुराण को ब्राह्मणों को जीने खाने के बना दिया है, जो भी एविडेंस है सब भी तक है। उसमें जब अपने कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए तो उस बात नाम नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पारित कर लिया क्योंकि उनका एक एनजीओ है और उसमें प्रस्ताव पारित किया कि हम मेंबरशिप रिव्यू करेंगे और व्यवस्था बनाकर जितने मेंबर हमारे थे उनको मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया और उन्होंने एक नया संविधान बनाया कि 3 बार मेंबर होना आवश्यक है, इतिहास का जो निर्धारण आवश्यक है और जो अस्थायी मेंबर हिस्ट्री कांग्रेस का है वह जो सेटिस्फाइड करेगा तो नहीं मेंबर बनेगा। तो उनका ये जो काम चल पड़े जब मेरे पास काम आया तो हम लोगों ने विश्वकर्मा जी सब लोग बैठ के तय किए विश्वकर्मा साहब ने क्या किया जाए, तो ये तय किया गया कि बड़ी लाइन खींची जाए। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास शहर गोरखपुर में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया जिसमें गोरखपुर, सहजनवा, बांसगांव, खलीलाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम से अवगत कराया। मंदिर परिसर में शिकायतकर्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली, लोग सुबह से ही लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जनता दरबार में आई शिकायतों को सुनकर सीएम ने कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया तथा कई अन्य मामलों को संबंधित अधिकारियों के हवाले सौंप दिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं कुछ इस तरह बयां की। अवेलेबल नहीं है ये इस नंबर पे, डीटी जॉब कर रखा होगा। अरे तो भाई अभी पूरे सामने मिला रहे हैं, जब नहीं मिला तो ब्रो माता जी है सर।
पत्नी जी आपका? स्वामी शंकरानंद। कहाँ से आए हैं आप? नवतनवा जनपद महाराज। क्या समस्या लेके आए हैं आप? हम लेके आए हैं कि हमारे यहाँ मंदिर पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, तो लाइट के लिए समस्या है। जिला और तहसील तक सभी अधिकारी को अवगत कराए और लाइट लगाने में लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, ना लाइट लगवा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रहा है इससे? तो लाइट, मंदिर पे लाइट होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए? अगर ना मंदिर पे लाइट हो तो ना लगवाया जाए, अगर मंदिर पे लाइट या मस्जिद पे लाइट की जरूरत है तो लाइट लगवाया जाए। तो यहाँ महाराज जी से क्या कहने आए हैं? लाइट लगवाने के लिए। क्या समस्या है आप? सर, गांव सभा की जमीन है और उसमें सरकारी हैंडपंप लगा था। एक दबंग किस्म का आदमी है, वो जमीनियाँ घेर लिया, हैंडपंप उखाड़ लिया, हैंडपंप उखाड़ के अपना हैंडपंप लगा दिया। हम लोग जाते हैं जब तो गाड़ी देकर खदेड़ देता है। हम लोग बहुत शिकायत किए थाना दिवस में, महाराज जी को 7-8 एप्लीकेशन दिए, देखिए सब रखे हैं, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगता है। यशो साहब जाते हैं, दरोगा जी जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो आज में आपका? हमारा नाम सुबेदार तिवारी है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या लेकर? समस्या ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में जो है बहुत जो है निम्न स्तर की, वो है मानक के अनुसार फिर शिक्षा नहीं हो रही है। मिर्जापुर में लड़का हमारा पढ़ता है और वहाँ पे उत्पीड़न शोषण हो रहा है। प्रथम वर्ष में ही द्वितीय वर्ष का फीस भी जबरदस्ती लिया जा रहा है और कोई जो है अधिकारी आगे सुन रहा है। गोरखपुर के नवागत जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व भूपेंद्र नारायण सिंह प्रतापगढ़ में बतौर बीएसए के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने, स्कूलों में समय से शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालयों का सुंदरीकरण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी बच्चों की संख्या बढ़ाना, उनकी शिक्षा पे गुणवत्ता पे विशेष ध्यान देना, शिक्षकों की उपस्थिति पे विशेष ध्यान देना, साथ ही साथ विद्यालय के सुंदरीकरण पे प्रशासन से, डीएम सर से, सीडीओ सर से सहयोग लेकर के 14वें वित्त से विद्यालय को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं इस पर कार्य करेंगे। और हम अपने प्राथमिक शिक्षा को कितने ऊँचे स्तर पर ले जाएंगे इसको पर प्रयास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से हमारे अध्यापक शिक्षक समय से उपस्थित होते हैं और होंगे, ये निश्चित रूप से होगा। आज के लिए इतना ही, चलते चलते डालते एक नजर आज की हेडलाइन पर। जिला रविदास महासभा द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्या, दिया आश्वासन। सीएम ने कहा, संगठित समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना की जा सकती है पूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर सीएम योगी ने की तीखी टिप्पणी। सीएम से मिलने आए फरियादियों के बीच मिले दो युवकों ने अपने उपहार भेंट करने में कामयाबी। 8 महीनों से भटक रहे थे मुख्यमंत्री को देने के लिए अपना उपहार। गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग और व्यापार बंधुओं द्वारा अधिकारियों की बैठक। सीएम ने मंडलायुक्त और डीएम को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व संध्या पर कुलपति ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेगा विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निर्माणाधीन एनएक्सटी भवन का निरीक्षण। कार्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और आयकर कर्मचारी महासंघ ने संयुक्त रूप से प्रधान कार्यालय आयुक्त कार्यालय परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई सांसद विधायक चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख की बैठक। सीएम ने शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने तरकुलानी पंपिंग स्टेशन के निर्माण कार्य में धीमी गति पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता से किया स्पष्टीकरण तलब। गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारतीय इतिहास संकलन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ सदस्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। और नवागढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण। छात्रों की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों को समय से स्कूल में उपस्थिति, स्कूलों का सुंदरीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना होगी उनकी मुख्य प्राथमिकता। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।